हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज इस स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्लिट्सविला 11 के एपिसोड नंबर 4 के डोम सीजन के फुल प्रीव्यू के बारे में। तो उनको एपिसोड नंबर 4 में अपना आइडियल मैच चेक करने का मौका मिलेगा। तो चलिए, एपिसोड नंबर 4 में श्रुति जो है वो लकी होती है, क्योंकि उसको रोहन के साथ अपना आइडियल मैच चेक करने का मौका मिलता है। तो श्रुति जो है वो रोहन के साथ अपना आइडियल मैच चेक करने के लिए ओरेकल के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि क्या हम दोनों एक दूसरे के आइडियल मैच है या नहीं। तो उसके बाद ओरेकल में से बजर बजने लगते हैं और हवाएं चलने लगती है और काफ़ी सारा ड्रामा क्रिएट होता है। तो चलिए, मैं आपको बता ही देता हूँ कि श्रुति सिन्हा और रोहन एक दूसरे का आइडियल मैच है या नहीं। ओरेकल उन दोनों को रिजेक्ट कर देता है और रोहन और श्रुति एक दूसरे का आइडियल मैच नहीं बन पाते। पर रोहन और श्रुति के फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि आने वाले सारे एपिसोड रोहन और श्रुति एक दूसरे के साथ ही परफॉर्म करने वाला है। जैसा कि आपने स्प्लिट्सविला 11 की सीजन 10 में देखा होगा, बसीरत नैना जो है आइडल मैच ना होते हुए भी सारे टास्क एक दूसरे के साथ ही परफॉर्म किए थे और स्प्लिट्सविला के सीजन 10 के विनर भी रह चुके हैं। तो ऐसा ही आपको रोहन और श्रुति के साथ भी देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, स्प्लिट्सविला 11 का विनर किसे होना चाहिए? आप अपना रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पर अगर आप रोहन और श्रुति के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर वीडियो भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसे ही स्प्लिट्सविला 11 की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।